हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सारिकाज क्रिएटिव हब। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम करेंगे किचन का वॉल डेकोरेशन, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ किचन के ओल्ड पैन और वेस्ट केक बोर्ड। सो फ्रेंड, विदाउट डिले वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट क्रिएटिव। फ्रेंड, मेरे पास ये ओल्ड पैन काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, जिसे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ DIY करने का, तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया। और फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 3 DIY शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम पैन के ऊपर स्पॉन्ज या डैबर की हेल्प से जैसो लगाएंगे। और ये जब जैसो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तब हम पैन के ऊपर व्हाइट एक्रेलिक पेंट लगाएंगे और फिर ये पेंट अच्छी तरह से सूख जाने के बाद हम येलो और ऑरेंज कलर का एक्रेलिक पेंट इस पर लगाएंगे। आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो आप ले सकते हैं। और कोशिश करें कि स्पॉन्ज की हेल्प से ही पेंट करें, क्योंकि ब्रश से आपको लाइंस दिखेंगे जो कि देखने में ठीक नहीं लगेंगे। और जब हमारा पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए, तब हम इसके ऊपर पेंसिल से आपको जो भी किचन कोटेशन पसंद हो एक बार मार्क कर लेंगे। और फिर ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसके ऊपर अब हम पेंट कर लेंगे। और फिर हम इस तरह का जूट रोप लेंगे और पैन के इस पार्ट को इससे इस तरह से कवर करेंगे। और फिर इस तरह की प्लास्टिक के स्पून, जो कि अक्सर हम सभी के घरों में होम डिलीवरी में आते ही रहते हैं, और इसे भी हम यूज करेंगे पैन को डेकोरेट करने के लिए, जिससे कि हमारा ये प्रॉपर लुक दे। तो इन सभी को भी हम सबसे पहले ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे। और जब हमारा पेंट इस तरह से प्रॉपर सूख जाएगा, तब हम इसे पैन के ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे। और इसका फाइनल लुक वॉल पे डेकोरेट करने के बाद कैसा लग रहा है, वीडियो के एंड में दिखाऊंगी जब तीनों DIY हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने हम सेकेंड DIY की तरफ। तो सबसे पहले हम केक बोर्ड लेंगे। इसके लिए हमें न्यू खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी केक घर पे आते हैं बस उसे हम रीयूज कर सकते हैं क्लीन करके। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम डैबर या स्पॉन्ज की हेल्प से जैसो लगाएंगे। और जब ये एक बार अच्छी तरह से सूख जाए, तब हम इसके ऊपर व्हाइट एक्रेलिक पेंट लगा लेंगे। और यहाँ भी मैं 2 कलर यूज कर रही हूँ, ग्रीन और ब्लू कलर। आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो आप ले सकते हैं। और जब हमारा कलर अच्छे से ड्राई हो जाए, तो पेंसिल से इसके ऊपर एक और किचन कोट मार्क कर लेंगे। और फिर ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंसिल से जो इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया था उसे पेंट कर लेंगे।
तो इस तरह से फ्रेंड हमारा सेकेंड DIY भी बनके रेडी है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम केक बोर्ड लेंगे और येलो और सी ग्रीन कलर का एक्रेलिक पेंट यूज करेंगे।